हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं चकाचक एक्सप्रेस और आज हम बात कर रहे हैं साउथ की उस हीरोइन के बारे में जिसने बहुत ही कम समय में देशभर के जवान दिलों पर राज कर लिया, जिस कारण इन दिनों उन्हें लोग नेशनल क्रश के नाम से भी जानते हैं। जी हां, सही पहचाना आपने। बात हो रही है रश्मिका मंदाना के बारे में, जो अपनी खूबसूरती और एक्टिंग स्किल के दम पर बहुत कम समय में काफी ऊपर पहुंच गई हैं। नेशनल क्रश बनकर लाखों दिलों पर राज करने वाली रश्मिका मंदाना किसी न किसी रीजन से चर्चा में बनी रहती है। ये बात कमाल की है कि वो अभी 25 साल की भी कम उम्र की हैं, लेकिन चाहे साउथ हो या नॉर्थ या फिर विदेशों में रहने वाले लोग, हर कोई उनका दीवाना है। इस क्यूट सी लड़की की स्माइल ही लोगों के दिलों में हलचल मचा देती है। रश्मिका का चाहने वालों को जानकर खुशी होगी कि जल्द ही ये साउथ एक्ट्रेस बॉलीवुड में भी एंट्री कर रही है। जी हाँ, अभी आपको बॉलीवुड की फिल्मों में भी जल्द नजर आने वाली है और इनकी पहली बॉलीवुड फिल्म का नाम मिशन मजनू है, जिसकी आधे से ज्यादा शूटिंग भी पूरी हो चुकी है। जाहिर से बात है कि नॉर्थ इंडिया में जो उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है, उसी के कारण उन्हें बड़े प्रोजेक्ट के साथ बॉलीवुड में लॉन्च किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं उन्हें ये मौका कब और कैसे मिला? अगर नहीं तो चलिए हम बताते हैं। दरअसल रश्मिका को बॉलीवुड का चांस उस समय मिला जब उन्हें गूगल ने नेशनल क्रश का खिताब दिया था। इसके बाद ही उनकी पॉपुलैरिटी को देखते हुए लॉकडाउन के टाइम में उन्हें मिशन मजनू का ऑफर दिया गया, जिसके लिए उन्होंने हाँ कर दी। इसके बाद अब उन्हें बॉलीवुड की दूसरी फिल्म भी मिल चुकी है, जो कि बिग बी यानी अमिताभ बच्चन के साथ है। तो इस हिसाब से ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले दिनों में रश्मिका मंदाना और भी करोड़ों दिलों पर राज करने वाली है। रश्मिका मंदाना के फिल्मी करियर की अगर बात करें तो उन्होंने 2016 में कन्नड़ फिल्म किरिक पार्टी से अपने अभिनय की शुरुआत की। फिर 2017 में उन्होंने दो फिल्मों अंजानी पुत्रा और चमक में अभिनय किया। इसके बाद उन्होंने 2018 में रोमांटिक ड्रामा चलो के साथ तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया और इसी वर्ष उन्होंने गीता गोविंदम में काम किया। और ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये फिल्म रश्मिका के करियर में मील का पत्थर साबित हुई और उस समय तेलुगु सिनेमा में सबसे अधिक पैसे कमाने वाली फिल्मों में से ये फिल्म एक बन गई। इस फिल्म की सफलता ने रश्मिका मंदाना को सुर्खियों में ला दिया। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसी का नतीजा है कि वो अब बॉलीवुड में धमाकेदार एंट्री करने वाली है और कोई शक नहीं है कि उनकी ये डेब्यू फिल्म हिट साबित होगी। तो दोस्तों, ये थी नेशनल क्रश की सक्सेस स्टोरी। हमें उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वैसे तो आपको क्या लगता है कि क्या रश्मिका बॉलीवुड में भी वही धाक जमा पाएंगी जो उन्होंने टॉलीवुड में जमाई? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत कर लें।